बैक नाज़रीन जागो दुनिया, आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और गेस्ट आवर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट, हमारे जो क्रिकेट टीम है उनका बहुत ही जाना माना नाम, माना भी गया। बात बिल्कुल सुंदर की सही है जी। क्रिकेट के हवाले से मैं कहूँ कि हमारी खुशकिस्मती भी रही है, पिछले 5-6 सालों में हमें बहुत जबरदस्त किस्म के यंगस्टर्स भी मिले। वहाँ पे थोड़ी सी बदकिस्मती ये रही कि एक अजीब किस्म का माहौल सा बना हुआ था जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है ना वो आती रही। और ये सब शुरू हुआ 2007 में, वो जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ। उसके बाद से जो है हालात वो काबू से बाहर होते गए। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान आना जो है वो ख़त्म कर दिया, और यहाँ के लोग वैसे ही क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस हालत में भी जहाँ भी हमारी टीम खेलती है, न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलती है या बाहर टूर्स करती है, लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। ऑल्दो के कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं, और अभी हाल ही में ज़ुल्करनैन हैदर का भी आपने सुना, जो विकेट कीपर थे, वो एकदम से एक दिन सुबह पता चला कि जी लंदन चले गए भाग के, और फिर उन्होंने बाद में बयान भी दिया, उससे भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ज़बरदस्त, यंग, टैलेंटेड, और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इनका जो टैलेंट है, एंड आई होप कि जो कंट्रोवर्सी इनको सराउंड कर रही है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत क्रिटिकल है, इनका करियर एट स्टेक है। इज अ वेरी अमेजिंगली जैसे कहते हैं ना गिफ्टेड बॉलर। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आते साथ मैंने इसको कहा कि मतलब मेरे बाल तो कुछ नहीं है, इसकी स्ट्रीकिंग सिर्फ चेक करें और इस पे फोकस करें। भाई आमिर इतने स्टाइलिश। भाई आमिर ने कहा कि जो हालात चल रहे हैं वो मुझे हीरो के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। हो सकता है मूवीज वगैरह के लिए ऑफर आ सकती है। ऑफर आ सकती है और आती है क्रिकेटर्स का। आमिर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप लोग? आमिर अवाम जो है ना, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं ये बताऊँ कि एक तो आपको बहुत पसंद करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई और अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका, जिससे ये शक जो है वो जन्म ले रहा है कि यकीनन इसमें वो हकीकत या वो पहलू नहीं है जिससे इतना ज़्यादा ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया। वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन होनी है आई थिंक दिसंबर में, और ICC के जो चीफ हैं हारून लगार्ड वो भी कह रहे हैं कि जी हम जल्द से जल्द इस मसले को हल करना चाहते हैं ताकि इन तीन क्रिकेटर्स का जो है करियर वो स्टेक पे ना लगे। सलमान भट्ट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। मैं ये जानना चाहूँगा, ये सब कुछ हुआ जब इंग्लैंड के दौरे में जब आप थे, एक एलिगेशन लगाई गई और उसका कोई प्रूफ नहीं था, एक ऐसे जरीदे की तरफ से लगाई गई जो कि स्पेशलाइज करता है सेंसेशनलिज्म में, कि जी कोई खबर पकड़ी और फिर उसको इतने और अपना अखबार बेचा और वो आगे चल दिए, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि एक यंग इमर्जिंग टैलेंट का करियर जो है वो स्टेक पे लगा रहे हैं। आपके लिए करियर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं आसिफ के हवाले से ये बात नहीं कह सकता क्योंकि वो पहले भी चंद कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन आपका ये पहला है और लोगों ने ज़्यादा इसलिए भी फील किया कि आप एक बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगा के वसीम अकरम की या यू नो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आप जो हैं वो आ गया है। मुझे ये बताओ कि आपने ये जो दिन गुजर रहे हैं सख्त मेंटल टॉर्चर में गुजर रहे होंगे, आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह जारी रख रहे हो, क्या करते हो, हाउ डू यू स्पेंड टाइम? प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ, मैं और सलमान भाई मॉडल टाउन ग्रीन में। ओके तो यही है कि होता है, आपको पता है जब आपके प्रोफेशन पे जब कोई ऐसा दाग लगता है तो बंदे को टेंशन होती है, क्योंकि जिस पे बंदे की लाइफ डिपेंड कर रही होती है पूरी, कि यही है मेरा सब कुछ, उसमें इस तरह के मेरे ख्याल में रुकावटें आ जाएं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही है कि हमें अल्लाह पे यकीन है, जब ऐसा कुछ है नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी जिंदगी का एक मकसद होता है, खुशियां गमियां आती रहती हैं। सही। साल मैंने खुशी भी देखी, अल्लाह ने वो दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था, ये भी वक्त आ गया, इंशाल्लाह आजमाइश है, ये भी टल जाएगी। और इसके जब भी इंक्वायरी पे गया, मैं देख रहा था दुबई भी गया, तो ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। हां एग्जैक्टली, वो जो मीडिया कवर करता है ना, वो लगता ही नहीं कि ये किसी एलिगेशन के लिए गया। मैं एक दिन म्यूट था तो मैं साइड पे देखा, तो मैंने गौर किया, मुझे लगा कोई जॉन अब्राहम शायद है, वो आया हुआ इंग्लैंड में, तो मैं परेशान हूं। फिर सलमान भट्ट के साथ है, मैंने कहा नहीं ये तो अपना ही मोहम्मद आमिर है, लेकिन अपना ही मोहम्मद आमिर, मतलब अपनी टीम का मोहम्मद आमिर। अच्छा टेल मी वन थिंग आमिर, मतलब जिस तरह सपोर्ट की बात होती है इस क्राइसिस से आप गुजरे, ऑब्वियसली मेंटल ट्रॉमा से बंदा गुजरता है, फैमिली इमीडिएट तो सपोर्ट कर देती है, लेकिन इर्द गिर्द रिश्तेदार दोस्त वगैरह उनका रवैया में कोई तब्दीली तो नहीं आई? नहीं, दोस्तों के तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं आया, और कुछ लोग होते हैं जहाँ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, ये तो लगे रहते हैं। 16 करोड़ आवाम है, 17 करोड़ उसमें से अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इन लोगों का हमें तो मेरे ख्याल में हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं, नेगेटिव चीजें ये तो लगी रहती हैं, और मेरे ख्याल में ये चीजें तो
आप कह सकते हैं हर इंसान के साथ है। सही सही, क्योंकि अगर आप टीवी पे आते तो आपको कुछ लोग पसंद करते होंगे कि यार ये अच्छा बोलते हैं, कुछ कहते होंगे नहीं ये अच्छा नहीं बोलते, तो ये चीजें भी हमारे साथ लगी रहती हैं, चीजों की हम फिक्र जो भी नहीं पब्लिक फिगर होते हैं। अच्छा एक मैं डिटेल में जाना चाहूंगा थोड़ी सी आमिर, जब भी इस कॉन्ट्रोवर्सी की बात होती है, जो क्लिप हम बार बार स्क्रीन पे देखते हैं वो आप एक बॉल करा रहे हैं जिसमें आपकी टांग कोई मतलब काफी आगे है वहां से लाइन से और वो नो बॉल है, और उस पर इल्जाम लगाया गया कि जी ये स्पॉट फिक्सिंग थी, मजहर मजीद का नाम बार बार आ रहा है। आप मुझे जरा थोड़ा सा अपनी वर्जन बताएं कि विदाउट एनी यू नो लाइक बिल्कुल अनबायस्ड किस्म की, कि मजहर मजीद कौन है, आपका उससे क्या लिंक था, और ये क्या जो नो बॉल आपने कराई ये एक नॉर्मल कोर्स में नो बॉल थी या क्या इसके पीछे क्या राज था? सबसे पहले तो मैं मजहर का आपको क्लियर कर दूं इसको तो मैं मेरे ख्याल में ये जब T20 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे इंग्लैंड में 2009 से, क्योंकि ये काफी प्लेयर्स को जो सीनियर्स प्लेयर्स थे उनको जानता था, ये एजेंट था, 5-6 साल से लड़कों के साथ अटैच कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवाता बिल्कुल ऐसे एजेंट था ये। और दूसरा मेरे साथ भी इसकी इस्लाम दुआ ही, ज्यादातर मेरी उसकी अटैचमेंट ये हुई इंग्लैंड टूर पे जब मैंने देखा अंडर 19 प्लेयर्स के साथ उसने किया है एडिडास के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाए, तो मैंने उससे बोला यार कि खुद ही उसने अप्रोच किया कि बिल्कुल ऐसे क्या, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में 5 से 6 एजेंट्स की ऑफर थी, ठीक है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि मैंने मार्क के साथ ऑस्ट्रेलियन है उसके साथ किया हुआ 2 साल का, ठीक, और अल्लाह का शुक्र मैं परफॉर्म ऐसे कर रहा था कि हर कोई चाह रहा था कि ये मेरे हार्ट प्रॉपर्टी की तरफ सारे ही जाते हैं आपको पता ही है, ठीक, तो वो सारे यही कह रहे मुझे 5 से 6 ऑफर्स थी। फिर ये मैंने देखा कि लड़कों के साथ इसका काफी फ्रैंक है ये, वो दोस्त भी अच्छा है, और मैंने कहा चल ठीक है मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है मार के साथ मैं तेरे साथ करूंगा, हालांकि मैंने इसके साथ पेपर साइन कर दिए 2011 में, मेरा अक्टूबर में मेरा खत्म होगा, तो उसके बाद आप इसके साथ, मैंने इससे पहले ही साइन कर लिया कि ये ले तेरा 2011 अक्टूबर से मेरा स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा दोस्ती इसकी किस क्रिकेटर के साथ? आपने कहा ना कि सारों के साथ दोस्ती, लेकिन एक होता है जो जिसके साथ हर वक्त बंदा जो है ना और सबको पता होता है यार रहते फलाने, मुझे जहां तक पता है सबसे पहले ये रहा है मेरे ख्याल में सकलैन भाई वगैरह का एजेंट रहे उनके साथ थी, फिर उसके बाद रिसेंटली क्योंकि कामी भाई और सलमान भाई का था उनके साथ अटैचमेंट थी, ठीक, फिर उसके बाद ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी होगी क्योंकि मैं परफॉर्म वगैरह कर रहा था, आपने साइन करके दे दिया, मैंने उसको बोला कि यार तू जो है अंडर 19 प्लेयर्स के तू कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, मैं A6 के जो है स्पाइक्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बनवा के पैसों के मंगवाता हूँ, तो मुझे एडिडास वालों को बोल के मैं फ्री यूज करूंगा, मुझे स्पाइक स्पॉन्सर कहता है ये तो मसला ही को नहीं मैं करवा दूंगा, मतलब इस तरह की अटैचमेंट थी उसकी, उसने करवा दिया आपको? बिल्कुल करवा दिया। अच्छा आमिर लेकिन मुझे बताओ कि मतलब ऑब्वियसली एक रैप भी होती है, आपने कहा एसोसिएशन इसकी बाकी भी उनके साथ रही है, तो इसकी रैप ओवरऑल जब तक आपका आप अच्छी थी बिल्कुल आप... कभी इसने कोई मेरे ख्याल में सलमान भाई वगैरह के या कामी भाई के पैसे वगैरह देने होते कॉन्ट्रैक्ट के कभी हैंकी-पैंकी नहीं उसने की। लेकिन इसने पहले भी और मेरे सामने तो वो तस्बीह नमाज भी पढ़ता था, बड़ा अच्छा इंप्रेशन उसने डाला था बिल्कुल। लेकिन एक स्कैंडल इसने पहले भी एक्सपोज किया था, एक स्पोर्ट्समैन था उसका भी इसने करियर इस तरह खराब किया, आपको आपको नॉलेज नहीं थी? अच्छा खैर जी आप उससे मिले, उसने आपको स्पाइक्स भी मंगवा दिए और आपको बड़ा अच्छा इंप्रेशन भी कर दिया, फिर क्या हुआ उसके बाद? जब न्यूज ऑफ वर्ल्ड ने ये गेम डाली तो मैं तो जब पहले दिन मैंने टीवी पे देखा तो मुझे तो बिल्कुल कहते हैं कि समझ भी नहीं आ रही कोई थी। हिंट मतलब ये उस मैच से पहले एक कोई होता है ना कि इशारा भी होता है वो भी मुझे फोन तो पे आके इसने बात क्योंकि यार कुछ कोई भी नहीं नो कोई बॉल ऐसी करा बात दे नहीं। यार कोई वाइड करा दे कोई ऐसी बात भी नहीं। और दूसरा ये जो आप बात कर रहे थे कि इतनी लंबी नो बॉल हुई है वो हुई थी ट्रॉट पे, और अगर वीडियो अगर देखी जाए तो वीडियो पे वो बोल रहा है जब आमिर राउंड द विकेट आएगा तब नो बॉल करेगा, लेकिन मैं तो ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा था और मैंने उसको बाउंसर भी किया था। अगर आप कमेंटेटर्स के कमेंट्स सुने तो उन्होंने यही बोला था कि जैसे इसने फील्ड सेटिंग किया तो हमें लग रहा था कि ये बाउंसर करेगा जो फील्ड प्लान था इनका, और ग्राउंड के आप इतना स्वेट था कि आप अंपायर्स ने भी मेरे ख्याल में बयान दिए थे जब मेरे ख्याल में बाद में उनको शटअप कॉल दी गई कि आप चुप करें आपका कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें आपने अपने दिफा के लिए कोई प्रैक्टिकली कोई मटेरियलिस्टिक चीज दिखाई कि देखें जी ये तो मैं तो बेगुनाह हूं? बिल्कुल ऐसी है क्योंकि वीडियो में मैंने आपको बोला है ना कि मजहर मजीद वाजिया कह रहा था कि आमिर जब राउंड द विकेट आएगा वो नो बॉल करेगा, लेकिन मैं राउंड द विकेट आया नहीं तो ओवर द विकेट। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जी आमिर के साथ इसका रابطہ हुआ, वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि मेरे साथ उसने फोन किया है और बंदा उसके साथ बैठा हुआ है जैसे उन्होंने वीडियो में दिखाया, तो मुझे कहता है हाय हाउ आर यू, मतलब कि क्या हाल है ठीक हो? मैंने कहा हाँ यार सो रहा है, तो उस बंदे ने हालांकि उसको बोला था कि इससे बात कर इससे बात कर, तो कहता नहीं यार वो सो रहा है, तो मुझे कहता है अच्छा चल ठीक है खुदा हाफिज गुड लक, बस इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, मेरे लॉयर ने कहा कि आमिर यहाँ पे कहाँ आता है, हालांकि उस बंदे ने बोला है अगर इसके साथ आमिर की बात हुई होती बेशक आमिर सोया हुआ है उठा हुआ है वो लाजमी उसको कहता कि हाँ वो काम करना है कि नहीं करना, वो काम करना है या वो याद है ना 5वें ओवर में, इससे कहीं वादा नहीं होता कि आमिर की इसके साथ कोई ऐसी बात हुई। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप PCB से क्या चाहते हो, अवाम से क्या चाहते हो, मतलब एक्सपेक्टेशंस होंगी ना आपकी? अवाम की तो ये दुआएं करे
क्योंकि कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी अल्लाह सुनता होगा, उसकी ये हमारे लिए दुआ लग ही सकती है, हमारे हक में बेहतर हो सकती है। और पीसीबी का यही है कि मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत नहीं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और पता नहीं वो मेरे ख्याल में कर भी रहे हो, हम ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता सही है, क्या पता वो खुद बैक फुट पे हो लेकिन अंदर से कर रहे हो हमारी सपोर्ट, सही हमें तो नहीं पता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता सही। है। लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ सुंदर, के जिस कंट्रोवर्सी से, जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से ये गुजरा है, अब इंशाल्लाह ताला जब ये वापस आएगा तो इसकी इंशाल्लाह बॉलिंग में एक नए किस्म का वेनम होगा बिल्कुल और इसने तमाम जो अपोजिंग टीम्स है ना उनको उड़ा के रख देना बिल्कुल, और इंशाल्लाह। स्पार्क इसमें और ज्यादा बल्कि नजर आएगा। और फिर मैं तुम्हें ना लिस्ट बता दूंगी उन उन क्रिकेटर्स की जिनको तुमने पहली बॉल पे आउट अच्छा, वो क्रिकेटर्स के करना अलावा इसके पर्सनल जानने वाले भी जिनसे इसने बदला लेना है उनकी भी ये लिस्ट सर दे पे दूंगा। मारनी है बॉल और कहीं नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब फैंस वगैरह अभी भी जब तुम बाहर निकलते होगे, ऑब्वियसली तुम्हारी पॉपुलैरिटी है, यंग हो, स्मार्ट, गुड लुकिंग हो, फैंस वगैरह आते होंगे और अक्सर लोग सवाल यही करते होंगे कि आप कब आ रहे हैं वापस क्रिकेट टीम में, बिल्कुल क्या हो ऐसे ही गया फलां, तो वर्ल्ड क्या कप खेल रहे हैं कि नहीं खेल हाँ रहे। खेल रहे थे, मैंने कहा कैसे यार रिएक्ट ये तो करते अल्लाह हो? बेहतर ही जानता है, हाँ बस आप लोग दुआ करो, एक ही वर्ड होता है कि दुआ करो आप लोग इंशाल्लाह जल्दी आए। बेशक जी, बेशक, दुआ जो है वो हर मसले का हल है। आमिर बहुत बहुत शुक्रिया, तुम आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, ही इज़ अ वेरी सिंपल ह्यूमन बींग और जो इसने बात कही है, मैं भी अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि ये बेकसूर अगर है जो कि ये बता रहा है कि लॉजिकली कोई इस पर इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो सका, तो ये जल्द से जल्द इस कंट्रोवर्सी से बाहर इंशाल्लाह है। हमारी क्रिकेट टीम को ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल इज़ एन इमर्जिंग टैलेंट, बेस्ट प्लेयर इमर्जिंग टैलेंट का ऐसे अवार्ड मिला आईसीसी की तरफ से, जो कि नागजीर वजूहत की बिना पे उन्होंने विदहोल्ड कर लिया। आई डोंट नो व्हाई कि पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा टारगेट करती हैं दूसरी नेशन, मुझे नहीं समझ बिल्कुल, में। बट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी देना चाहो किसी अब अगला हवाले से प्रोग्राम भी। करेंगे जब ये मैच पहला टेस्ट मैच खेलेगा, हाँ, वनडे खेलेगा और आके ये बताएगा कि देखा मैंने आपको कहा था ना। हाँ, और उससे अगला तुम्हारी बेगम के साथ होगा, ठीक है, फिर उससे अगला भी हम प्लान कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब 2 दिन की हमारी छुट्टी है, मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।